टेंथ क्लास के नेशनल ओपन स्कूल का लेसन नंबर 2 दोहे। आज हम इस पार्ट में दोहों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कबीर, रहीम और वृंद द्वारा लिखे गए हैं। इस पार्ट को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य या एम इस प्रकार है। इसमें हम व्यक्ति निर्माण में निंदा और आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के क्या सकारात्मक पक्ष होते हैं उसके बारे में समझेंगे, अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों के बारे में और धन की उपयोगिता के बारे में समझेंगे, अवसर अनुकूल व्यवहार के औचित्य का पता चलेगा, जीवन में अभ्यास के महत्व को समझ सकेंगे, दोहा छंद के प्रयोग के बारे में समझ सकेंगे, दोहे में काव्य सौंदर्य के विषय में ज्ञान लेंगे और समान भाव के दोहों की तुलना करने में सक्षम होंगे। किसी भी दोहे कविता की पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले हमें उसके शब्द अर्थ को जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर हमें शब्द अर्थ का पता होगा तो हमें व्याख्या करना आसान हो जाता है। जैसे पहले दोहे में ऊंचे कुल का जन्म्य, अब इसमें जो जन्म्य है, जन्म्य का मतलब जन्मा, उसी तरह से सुब्रन, सुब्रन का मतलब स्वर्ण या सोना, कलश, कलश का मतलब घड़ा, सुरा, सुरा का मतलब शराब, और निंदे, निंदे मतलब निंदा करता है, सोई मतलब उसे या उसकी। तो अगर हमें शब्द अर्थ पता होंगे तो हमें व्याख्या करना और आसान हो जाता है। एग्जाम में आपको इस तरह से काव्य पंक्तियां दी जाएंगी, जैसे ये दोहे की दी गई है। तो इस दोहे को लिखने के लिए आपको नीचे सबसे पहले ये पैटर्न दिया गया है। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे प्रसंग। जब हमारा दोहा स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम में आंसर में प्रसंग, प्रसंग में कवि का नाम और कविता का नाम लिखा जाता है। उससे अगला पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ का मतलब है इसमें कवि ने इस जो ऊपर हमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो उसके लिए आप संदर्भ लिख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमारे को संदर्भ लिखना मुश्किल है वो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अगला भाग है व्याख्या। उसके बाद हमें एक एक लाइन की व्याख्या करनी होती है। लास्ट में हमारा पॉइंट आता है विशेष। इसमें जो ये तीन पॉइंट आपको दिए गए हैं ये हर कविता की व्याख्या विशेष में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कवि ने अच्छे शब्दों का चयन किया है, दोहा गेय है यानी कि इसको गाया जा सकता है, भाषा सरल व स्पष्ट है। फोर्थ पॉइंट है दोहे में डैश के बारे में बताया गया, मींस कि आपने जो ऊपर जो दोहा पढ़ा है वो आपने किसके बारे में पढ़ा है, इसमें फोर्थ पॉइंट में आपने उसके बारे में एक लाइन या दो लाइन में बताना है। अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली लाइन, ऊंचे कुल का जन्म्या करनी ऊंच ना होई। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। उसी तरह सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, जिस प्रकार सोने का घड़ा अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपना महत्व खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर सही आचरण नहीं करता तो उसका जो है निंदा होती है। तो कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आदमी की पहचान उसके खानदान से, उसके वर्ण जाति या उसके धनवान या निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण उसके व्यवहार से होती है। तो हमें इसमें कबीरदास जी क्या शिक्षा देते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुवाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जो निंदक है उसको हमें अपने नज़दीक रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। अधिकतर आपने अनुभव किया होगा कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं हम उनसे दूर रहते हैं। इसमें लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक है उसे अपने नज़दीक रखना चाहिए, अपने आंगन में कुटी बनाकर उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि निंदा से हमें अपनी
जब वो हमारी निंदा करता है तो उससे हमें अपनी कमियों का पता चलता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, वे जिस वो व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है वे हमारी मतलब बुराइयों को बिन पानी बिना साबुन के ही दूर कर देता है, हमारे स्वभाव को। तीसरा दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। इसमें इस दोहे में कबीर जी कहते हैं गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य एक घड़े के समान है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी कमियों उसके दोषों को दूर करता है। काढ़ना मतलब उसको तैयार करना, उसकी कमियों को निकालना। ऐसा करते हुए अपने जो है शिष्य की कमियों को निकालता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ा तैयार करते हुए जो कुम्हार है वो ऊपर से तो चोट मारता है लेकिन अंदर से सहारा देता है, उसी प्रकार जो गुरु है वो अपने शिष्य को भीतर ही भीतर सहारा देता है, यानी आंतरिक अंदर से वो उसे स्नेह करता है परंतु बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से कठोर लगता है लेकिन अंदर से वो बहुत अपने शिष्य को प्यार करता है और अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को कठोर नियंत्रण से दूर करना चाहता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक और चारित्रिक रूप से उसको मजबूत बनाना चाहता है। चौथा दोहा, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर ना निकाला जाए तो उस नाव का डूबना निश्चित है, यानी पानी से भरी नाव क्या होगी, डूब जाएगी। वैसे ही घर में अगर धन की अधिकता होने लगे यानी कि अधिक धन आने लगे तो हमें उसका दान करना चाहिए, उसे खर्च करना चाहिए, परंतु यदि उसको खर्च ना किया जाए तो उस तो समझो कि उस व्यक्ति का जो है पतन जो है वो निश्चित है। वो क्यों? क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास धन आ जाएगा तो वह अपनी सुविधाओं में भोग विलास में बुरे व्यसनों में पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो है पतन निश्चित होगा।